नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। महंत आशीष गिरी ने खुद को क्यों मारी गोली, आज इस बात की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में संत समाज इस समय शोक में है। आज सुबह निरंजनी अखाड़े के महंत आशीष गिरी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना की खबर मिलते ही डीआईजी एसपी सिटी समेत फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। उन्हें करीब से जानने वाले धर्म गुरुओं का कहना है कि वह अपनी बीमारी को लेकर काफी परेशान रहते थे। बताते हैं कि उनका लीवर खराब हो गया था, इसी से वह परेशान रहते थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी मौके पर पहुंच गए। खबरों में बताया जा रहा है कि आज सुबह ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने आशीष गिरी से फोन पर बात की थी। उन्हें नाश्ते के लिए मठ में बुलाया था। फोन पर आशीष गिरी ने कहा था कि वह स्नान करने के बाद आ रहे हैं। कुछ देर बाद जब वह नहीं आए तब मठ के लोग उनके आवास पर गए। दूसरी मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा खुला था। नीचे जमीन पर बिस्तर पर खून से लथपथ आशीष गिरी का शरीर पड़ा था। बताया जा रहा है कि आशीष गिरी हाई ब्लड प्रेशर और पेट की बीमारी से परेशान थे। अखाड़े के सचिव थे, वो काफ़ी दिन बीमार चल रहे थे। उनका लीवर किडनी दोनों फेल हो गया था, तनाव में थे। सुबह समय का कोई निश्चित नहीं है, 9-10 या 8-9 के बीच में उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार करके आत्महत्या कर ली। सूचना मिली, पुलिस बताया गया, पुलिस आई जो कार्रवाई करके पोस्टमार्टम लाश हमको दी है। लाश को हम लोग लगाएंगे समाधि। ये हमारी घटना है। बीमार चल रहे थे काफ़ी दिनों से और उनको तनाव भी था। ऐसी भी सूचना थी कि आपने सुबह से आज नाश्ते पर देखिए, सुबह हमारे यहाँ हाजिर जाते थे और जब हमारे महात्मा लोग आए थे कल नाश्ता करके गए थे, बोले हम कल फिर आऊँगा। जब नहीं आया मैंने फ़ोन किया था, बोले मैं नहा धो के आ रहा हूँ। इतनी हमारी उनकी बात हुई थी। एक घटना ही हमारी बात हुई 8 बजे। 8 के बाद फिर हमको सूचना 9 बजे मिली, ऐसे घटना घट गई है।